हमारी ज़िंदगी बड़ी कीमती है, एक एक सांस बामकसद होना चाहिए, लेकिन हम अपने वक्त को किस आवारगी के साथ, किस बेदर्दी के साथ गुजारते हैं। हज़रत इमाम शाफ़ी कहते हैं कि मैंने फ़कीरों से दो बातें बड़ी पते की सुनी और उन्होंने मुझे बड़ा नफ़ा दिया। ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग होने के बावजूद, इतने बड़े आलिम और फ़कीर होने के बावजूद, ये दरवेशों की सोहबत में जा के बैठते थे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को किसी ने देखा कि हज़रत बिशर हाफ़ी के पीछे दौड़ रहे हैं, तो किसी ने कहा इतने बड़े इमाम हो और इतने बड़े फ़कीर हो, इस फ़कीर से क्या ढूंढते हो, बिशर हाफ़ी से क्या तलाश करते हो? तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि अहमद बिन हम्बल जिस रब को मानता है, बिशर हाफ़ी उस रब को जानता भी है। तो फ़कीरों की बातें बड़ी पते की होती हैं। तो कहते हैं कि फ़कीरों की दो बातों ने, इमाम शाफ़ी बोले, कि मुझे बड़ा फ़ायदा दिया। एक तो ये, अल वक्तो सैफुन पातियुन, वक्त काट देने वाली तलवार है, अगर वक्त को तुम काटोगे तो ठीक, वरना वक्त तुम्हें काट देगा। अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि वक्त के घोड़े पे तुम सवार होके अपनी मर्ज़ी से वक्त को चलाओ, या फिर तुम वक्त के रहमो करम पे हो और इसकी मौजें तुम्हें जिस समझ चाहें बहा ले जाएं। अब तुम्हारा इख्तियार है कि तुम अपना वक्त कैसे गुजारते हो। दूसरी बात जिसने मुझे बड़ा नफ़ा दिया वो ये कि अपने आप को नेकी के कामों में लगा दो, वरना नफ्स तुम्हें बुराई के कामों में मशगूल कर देगा। अपने इर्द गिर्द ताना बाना ऐसा बुन लो, अपने हालात ऐसे बना लो, अपनी दोस्तियाँ ऐसी वजह कर लो कि तुम नेकी के माहौल में रहो, वरना शैतान बुराई के अंदर मुबतला करने में देर नहीं करेगा और नफ्स तुम्हें जो है वो शर में मुबतला कर देगा। तो फरमाया कि किसी शख्स के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो बेमकसद कामों को छोड़ दे। हम तो बाज़कात बैठते हैं तो घंटों बेमकसद बैठे रहते हैं और कीमती से कीमती वक्त ज़ाया करते हैं। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिलने गए, हुजूर का सलाम दिया, हुजूर का पैगाम दिया, अल्लाह अकबर। तो वैसे करनी तो तड़प गए ना, चश्मान से आंसू हैं और बार बार पूछती हैं मेरे हुजूर के लबों पे मेरा नाम कैसे आया था। हुजूर ने कहा था ना, कोई उवैस बिन आमिर को मिले और मेरा सलाम दे और उससे कहे कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे, अल्लाह अकबर। तो ये मिलने गए हुजूर की वसीयत और हुक्म के मुताबिक, हुजूर का सलाम दिया तो ये बार बार कहते थे हुजूर के लबों पे मेरा नाम कैसे आया, अल्लाह अकबर। तो जब ये तड़प देखी तो कहा इतनी मोहब्बत और इतना प्यार तो हुजूर को मिलने नहीं आए, हुजूर को देखने नहीं आए। तो हज़रत उवैस करनी फरमाने लगे तुमने मेरे हुजूर को देखा है? तो ये खामोश हो गए, तो कहने लगे मैंने नहीं ना देखा तो मुझसे पूछ लो, तुम पहले बताओ कि हुजूर के अबरू जुड़े हुए थे या खुले हुए थे? अल्लाह अकबर, तुमने तो हुजूर को देखा है तो ज़रा बताओ ना। फिर खुद ही फरमाने लगे जिसने नहीं देखा उससे पूछ लो। कहा कोई करीब से देखता तो खुले हुए नज़र आते, दूर से देखता तो जुड़े हुए नज़र आते। मालूम हुआ कि हुजूर की कुर्बत में ही रहे हैं अगरचे बज़ाहिर दूर रहे हैं। तो ये इतने जलीलुल कदर सहाबी मिलने गए, कुछ देर बातें की, उसके बाद हज़रत वैसे करनी ने हाथ बढ़ा दिए, कहा अच्छा आपने भी आखिरत की तैयारी करनी होगी, मैंने भी करनी, अच्छा हशर को मिलेंगे, अल्लाह अकबर। तो वक्त बहुत कीमती है, किसी के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो बेमकसद कामों को तर्क कर दे।